Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning presents Top 10 Questions for Economics. So friends, daily जैसे कि अपन एक GS का subject लेके 10 important questions के discuss करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत important होते हैं, तो वो आज subject जो अपन ने लिया है वो है economics, क्योंकि आज है Thursday और Thursday को economy के 10 important question अपन discuss करते हैं. So उम्मीद है पहले वाले session को आपने सभी ने देखा होगा, काफी कुछ समझा होगा. और जितना हो सकेगा मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं. व्हाट हैपन्स टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, यानी कि जब औसत लागत बढ़ जाती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है. आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, कब अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या होता है. तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और उम्मीद है कि सभी को कुछ ना कुछ आंसर आता होगा. ठीक है, तो आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो या तो आपका सही होगा या गलत होगा, दोनों में ही आप ही का प्रॉफिट है. गलत होगा तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और सही होगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी यहाँ पे सही आंसर है. बिल्कुल सही किया है विनित राजपूत ने, बिल्कुल सही आंसर किया है. मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट. जब भी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है. देखिए कभी भी अगर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए. मैंने 10 टॉय प्रोड्यूस करे 100 रुपये में. ओके, ये मेरा एवरेज मेरा प्रोडक्शन है जिसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट आया हुआ है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी में जो कंपनी या प्रॉफिट में आने लगी है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो निकलने लगा है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. तो अगर 10 टॉय बनाने पर 100 रुपये में आपके बन रहे हैं तो 11 टॉय यानी कि अगर आप एक यूनिट को इंक्रीज कर दोगे तो आपका कितना कॉस्ट होगा. हो सकता है आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए, हो सकता है आपकी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए. फॉर एग्जाम्पल 109 रुपये में आपका बन रहा है तो ये जो कॉस्टिंग है, ठीक है, ये जो कॉस्टिंग है इंक्रीज और डिक्रीज करने के ऊपर, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे, उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, और एवरेज कॉस्ट क्या होगी, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में अगर 10 टॉय बनाए हैं तो 10 रुपये का मुझे एक टॉय पड़ा है तो ये मेरी एवरेज कॉस्ट है. ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो बहुत सिंपल है और मार्जिनल कॉस्ट आपको पता चल गई होगी. जैसे कि अगर मैं एन नंबर ऑफ टॉय बना रहा हूँ तो जो एन प्लस वन नंबर ऑफ टॉय जो मैं बनाऊंगा वो मेरी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी. ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. और जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लीज़ एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं उसके वीडियो को, उसके बाद में आपको दिखाई दे जाएगा. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस मैप के इस ग्राफ के थ्रू, जब आपकी एसी डिक्रीज होएगी, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होएगी, कब, तब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी इससे, एसी से. और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एसी भी बढ़ जाएगी. तो मैंने आपसे यही पूछा था कि जब एसी बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे आप ये बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाएगी. ओके, और केस में क्या होगा, एमसी ज़्यादा बड़ा होगा एसी से. ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग प्राइसेस इन अ लॉन्ग रन, यानी कि लंबी अवधि में मूल्य नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है. ओके, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग रन के अंदर इफेक्टिव क्या है प्राइस कंट्रोल करने को लेकर. आप अपना प्रोडक्शन कम कर दो, बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो उम्मीद है कि सभी को कुछ ना कुछ आंसर इसका आता होगा. और यहाँ पे लोगों ने बी और डी ज़्यादातर आंसर करे हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि प्राइस कंट्रोल होएगा, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कॉस्ट का. ठीक है, और प्रियंका जी ACIO के लिए पूछ रहे, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में. मैं आपके लिए एक तो प्रीवियस ईयर का भी लेके आऊँगा IB का, उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन. जब आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे ना तब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10 कॉपी प्रिंट करते हैं किसी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है. लेकिन यहीं पर अगर आप 1000 कॉस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रुपये आपकी आई है, अगर आप 10,000 कॉपी प्रिंट करने लग जाओगे, प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, तो आपको जो ये 5 रुपये कॉस्टिंग है वो घट के यहाँ पे 2 रुपये 2.5 रुपये तक
पहुंच जाएगी, तो कुल मिला के इफेक्टिव हो जाएगी। प्राइस कंट्रोल कब होगा? जब आप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। और सभी ने इसका आंसर सही दिया है, काफ़ी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन द RBI परचेजेस एंड सेल। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक खरीद बिक्री करता है, क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज की करता है, गोल्ड की करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता होगा क्या होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, सेल और बे करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के अंदर, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। और सौरभ जी IB की क्लासेस के लिए पूछ रहे हैं, तो देखिए सौरभ जी, जो मैं GK क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिया का IAS का पेपर दे रहे हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हो। अगर आपको स्पेशली IB के क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं कुछ दिन में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने C, D, D ऑप्शन काफ़ी लोगों ने किया है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, माफ़ कीजिएगा डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं इन सभी को क्या करती है RBI, सेल और परचेज करती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये तो वैसे मेजरली है ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो मेजर है, उसके अलावा इनको भी सेल और परचेज करती है जब RBI को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है पैसे को। आप देख सकते हैं जब भी इन्फ्लेशन आएगा, इस मैप से मैं आपको समझा देता हूँ, जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स को बेचेगा और मनी को क्या करेगा, ले लेगा। मनी मार्केट से ले लिया तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ जो लोन का जो अमाउंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैंक बढ़ा देगा और लोगों के पास और पैसा नहीं पहुंच पाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन में ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है लोगों के पास में, आपको पता ही ये बात, तो ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा कम कब होगा, जब जो लोन का अमाउंट है वो बैंक इंक्रीज करेगा। वो कब इंक्रीज करेगा, तब उसके पास में पैसा कम होगा, और पैसा कब कम होगा, जब RBI उससे पैसा छीन लेगा बॉन्ड्स को देकर। वैसे ही रिसेशन के टाइम पे होता है, जिसको अपन डिफ्लेशन कहते हैं, उस टाइम पे पैसा ज़्यादा चाहिए होता है मार्केट में, तो क्या करता है, सेंट्रल बैंक पैसा दे देता है और अपने बॉन्ड्स को वापस ले लेता है, और फिर क्या करता है, बैंक जो अपनी रेट है लोन की उसको कम कर देता है। कम का अगर लोन रेट हो गया तो लोग क्या करेगी, जनता ज़्यादा लोन लेगी और वापस से मार्केट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप पॉज करके इस वीडियो को, जब बाद में ये वीडियो होएगा, पब्लिश होएगा, तब यहाँ पे पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फर्म इज सेट टू बी ऑफ ऑप्टिमम साइज व्हेन, यानी कि कोई फर्म अनुकूल आकार की कही जाती है कब, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको बताना है कि जो कोई भी साइज, कोई भी फर्म को ऑप्टिमम साइज की कब कहा जाता है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इमरजेंसी के पूछ रहे हैं, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कब लगी है, तो फ्रेंड्स सौरभ जी ने पूछा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, ओके। 1991 में लगने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन नहीं लग पाई है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है, 360 है, पॉलिटिका भी क्वेश्चन आपके लिए, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और परी ने बिल्कुल सही कहा है, और यहाँ पे सी लोगों ने इसका आंसर किया है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए इसका आंसर होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट जब मिनिमम होगी तब अपन किसी फर्म को कहेंगे ऑप्टिमम साइज की फर्म। आप देख सकते हैं ऑप्टिमम साइज का मतलब क्या है, कोई एक बेस्ट और आइडल फर्म हो, एक आइडल कंपनी हो या फिर फर्म हो, ऑप्टिमम फर्म कब कहेंगे उसको, तब जो अपना जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्निक के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, उसका जो लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, एवरेज लोवेस्ट उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आएगा तब उस फर्म को अपन कहेंगे ऑप्टिमम फर्म। उसके नीचे का जो ये कंटेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डेप्थ में नहीं जाना है, हर एक इंडस्ट्रीज का अलग अलग होता है, ओके। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी तब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, जब ऑप्टिमम फर्म होगी, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने गलत आंसर किया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट आर कॉस्ट विच वेरी विथ आउटपुट आर कॉल्ड, यानी कि जो लागत जो आउटपुट के साथ बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, ओके। वॉट आर कॉस्ट विच वेरी विथ आउटपुट कॉल्ड, तो आउटपुट के साथ में जो कॉस्ट वेरी करती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है और उम्मीद है कि सभी इसका आंसर सही करेंगे। काफ़ी लोगों ने आंसर डी यहाँ पर आंसर दिया है,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए इसका आंसर होगा, ओवरहेड कॉस्ट, उसको अपन कहते हैं। ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है एक्चुअली, देखिए ओवरहेड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपके पास में लिखा हुआ है तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो या फिर ओवरहेड कॉस्ट हो, कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसी को अपन ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। अब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट से समझ ही गए होंगे कौन कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि रेंट हो गया, ओके रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, आपका जो बिल है वो सब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरीज हो गई जो कि आपके जॉब या फिर प्रोडक्ट से स्पेसिफिक नहीं है, इक्विपमेंट हो गया आपके कंप्यूटर टेलीफोन ऑफिस सप्लाइज, ये सब क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। और अगर जब आपका आउटपुट वैरी करेगा तो उसके साथ में ओवरहेड कॉस्ट भी वैरी करेगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो और ओवरहेड कॉस्ट को सिंपल तरीके से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो कॉस्ट आपके प्रोडक्शन में नहीं लग रही है, सर्विस देने में नहीं लग रही है, ओके वो जो जो बाकी बची हुई कॉस्ट है वो सारी ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है कोमल शर्मा ने, ओवरहेड कॉस्ट इज वायबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद आउटपुट, तो एक ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आउटपुट के साथ वेरी करती है, ओके और मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट रखने की कोशिश करती है कोई भी कंपनी हो। नेक्स्ट देखते हैं, द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज्ड इन 1921-2। तो आपको पता होना चाहिए कि जो SBI बैंक है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ओके बहुत बड़ा बैंक है, अरुंधति भट्टाचार्य उनकी हेड है, और आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास जब मर्ज हुए थे तो कौन सा बैंक बना था, ओके और अभी हर्षिता शर्मा जी MBA के लिए पूछ रही है, एंट्रेंस के लिए NMAT के लिए, तो ज़रूर हर्षिता जी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक बार जो आपका एग्जाम है NMAT का उसको मैं एनालिसिस करूँ और उसके GK के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट। और यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर ए आंसर किया है, तो देखिए फ्रेंड्स का जो सही आंसर होगा वो होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1921 के अंदर, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उस टाइम पे, उसके बाद में यही बैंक SBI में तब्दील हो गया 1955 के अंदर, 1955 में, उसके बाद में नेशनलाइजेशन हो गया बैंकों का, ठीक है। पर्सन कौन थे इंपीरियल बैंक को बनाने वाले, JM Keynes, ये वो पर्सन थे जिन्होंने तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उस टाइम पे कॉलोनियल इंडिया के, उनको सिंगल बैंक बनाया था, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल जो कि सबसे पहले जो हुआ था वो बैंक ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी में से, बैंक ऑफ बंगाल जब हुआ था वो 1806 में हुआ था, उसके बाद में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों ने मिलकर बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में कन्वर्ट हो गया वो SBI के अंदर 1955 के अंदर। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सौरभ जी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ओके तो यहाँ पे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ओके तीन बैंक थे, तीन बैंक ने मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1921 में, उसके बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, उनकी इमेजेस भी आपके सामने अवेलेबल है कौन सा बैंक कब कहाँ पे था। और कई बार पेपर में ये भी पूछते हैं कि सबसे पहला बैंक कौन सा था इन तीनों में से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ दिन पहले अपन ने कवर अप किया इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन थी कि RBI जो सेटअप हुआ था वो 1935 में हुआ था, नेशनलाइज्ड हुआ, सर ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे RBI के, ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछते हैं, और इंडियन गवर्नर भी पूछते हैं जो कि ओके द्वारकानाथ देशमुख थे, द्वारकानाथ देशमुख पहले इंडियन गवर्नर थे RBI के, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मिस्टर जो मोहम्मद शोएब है उनका आंसर आ गया होगा, उनको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पूछा अंकुर जी ने, तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर वो टॉपिक अपन डिस्कस करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया कॉइन्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स आर इशूड बाय, भारत में सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, कॉइन एंड सब्सिडरी कॉइन्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो नोट है जो आपके जो बैंक नोट्स होते हैं वो तो RBI प्रोड्यूस करता है, वो तो RBI बनाता है, लेकिन जो कॉइन्स और सब्सिडरी कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको इश्यू करती है। अगर आपने कभी एक रुपये का नोट देखा हो
₹1 का नोट तो उस पर RBI के सिग्नेचर नहीं होते हैं, फिनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ नहीं होता कि मैं धारक को ₹1 देने का वादा करता हूँ। क्यों लिखा हुआ नहीं होता? क्योंकि ₹1 नोट को अपन ₹1 के कॉइन के बराबर ही मानते हैं, और एक्चुअल जो करेंसी वो कॉइन है, ठीक है, जो आपके नोट्स है उसके ऊपर तो RBI गवर्नर आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इतने रुपए का जो नोट है वो इंडिया में आप चला सकते हो, ठीक है, वो एक भरोसा है, प्रॉमिस क्या है RBI गवर्नर ने। जबकि जो कॉइन्स है वो बनाने का जो पूरा का पूरा जो उसकी जो राइट्स है वो किसके पास में है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जो कॉइन्स है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, बाकी सब जो नोट्स है वो RBI बना रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता करना जरूरी है कि कॉपर की जो वैल्यू है मार्केट में वो क्या चल रही है। देखिए, एक एग्जाम्पल समझिए तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अगर आपने सुना होगा तो बहुत साल पहले नियर बाय 13-14 सेंचुरी में उस टाइम पे क्या हुआ था कि तुगलक ने, ठीक है, सिल्वर की जो स्केयरसिटी हो गई थी मार्केट में, तो उसने क्या किया, जो कॉपर कोई कॉइन्स है उसने बोल दिया कि सिल्वर को, जिसका उस टाइम पे जो नाम था वो क्या था, टका, ठीक है, उस टाइम पे उसका नाम क्या था, टका। तो उसने क्या बोल दिया कि जो टका है उसको ही आप क्या समझ लो, जीतल समझ लो। और जीतल समझने के बाद में लोगों ने क्या किया, घर के अंदर कॉपर खरीद के लेके आए और घर में सिल्वर के कॉइन बना दिया और उसको मार्केट में चला दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वो सिल्वर उसमें चला दिया मार्केट में, तो क्या हो गई, डुप्लीकेसी हो गई, डबली हो गई, सारे कॉइन्स क्या हो गए, डबल हो गए, डुप्लीकेसी हो गई, चीटिंग हो गई। उसी से गवर्नमेंट ने लेसन लिया, और अभी जो गवर्नमेंट जो सिक्कों का जो साइज छोटा बड़ा करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो देखती है मार्केट के अंदर जो कॉपर का साइज है वो क्या चल रहा है, कॉपर की जो रेट है वो क्या चल रही है। अगर मैं ₹10 का कॉपर घर में खरीद के कॉइन बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ मार्केट में, तो मुझे ₹10 से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। और अगर मैं घर में ₹10 के कॉइन पिघला के उस कॉपर को मार्केट में बेचूं, तब भी मुझे ₹10 ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो ये रेशो देखती है गवर्नमेंट, उसके बाद में सिक्कों को जारी करती है, ठीक है, ताकि आपको ताकि डुप्लीकेसी ना हो पाए कॉइन की, ओके। और इसीलिए आपका जो कॉइन का साइज है वो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, ये इसका रीज़न है। तो उम्मीद है आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और अभी प्रेजेंट और कॉमर्स से रिलेटेड है, ओके। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे के सारे जो कॉपर की जो रेट्स है जो वो अपने आप पता रखती है, करंट में क्या चल रही है उसी के अकॉर्डिंगली बनाती है आपके सिक्के, ओके। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भारत जी ने कहा कि बहुत लोग घर में बनाने लगे थे, ट्रेडमार्क नहीं था, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिसीजन टेकन एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके, उसके कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या बना था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। विकास जी ने बिल्कुल सही कहा है, इब्न बतूता आया था इनके टाइम पे, बिल्कुल सही है। और जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने ₹10 के कॉइन को लेके जिनको कन्फ्यूजन है, तो ₹10 का कॉइन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाएगी। कॉइन को लेके जितने भी राइट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ओके। तो चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, उम्मीद है कि सभी को पता होगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो पुराना नाम था वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर 370 डेलीगेट्स की गैदरिंग हुई थी, 730 डेलीगेट्स की, जो कि 44 नेशन से बिलोंग करते थे। और ये कहाँ पे हुई थी, माउंट वॉशिंगटन होटल के हुई थी, जो कि कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर के अंदर है, जो कि कहाँ पर है, USA के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर बात करी गई थी, और फिर उसके बाद में क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, 1944 में ये जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर साइन किया गया, उसके बाद में दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, एक तो IMF और एक साथ में IBRD, ठीक है, IBRD और साथ में IMF, इन दो का फॉर्मेशन हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर IBRD भी लिखा होता तो आपको आंसर वो भी करना होता, अगर IMF नहीं होता IBRD होता तो वो भी आपका आंसर होता, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग थी, होटल था जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ इस तरीके की फोटोज है उस टाइम पे 44 नेशंस के जो लीडर थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये मीटिंग करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आकिब जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, नोट्स पे कितनी लैंग्वेजेस होती है ये उन्होंने पूछा है एक्चुअली में। तो नोट्स पे कितनी लैंग्वेजेस होती है, वैसे एक्चुअली जो आपका RBI का जो
हाँ, जो आरबीआई जिसके ऊपर जो गवर्नर लिखता है वो तो दो ही लैंग्वेजेस में लिखता है वैसे एक्चुअली, ठीक है, एक तो हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, जिसमें द सम ऑफ जो बोलता है धारक को मैं इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। ओके, तो विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स एट जीरो इंटरेस्ट टू द पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो कौन से सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको, ठीक है? चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की जो जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर पुअर डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है। और यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा सी, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन उसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं फाइव एजेंसीज हैं जिनको अपन वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, आईडी, IBRD और IDA, इन दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। अगर कोई बोलता है वर्ल्ड बैंक एक सिंगल बैंक है तो ये गलत होगा। वर्ल्ड बैंक क्या है, चार बैंक, दो बैंकों से मिलकर बनता है, IBRD और IDA। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। IBRD जो है वो क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको लोन देता है, और IDA पुअर कंट्रीज को लोन देता है। इंडिया दोनों से लोन ले लेता है, ठीक है? और इसका जो टाइम पीरियड है वो 25 से 40 साल तक का लोन देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, और जो बहुत ही पुअर होते हैं उनको तो फ्री में ही लोन, फ्री में जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देता है। ओके, और ये एक मोटिव था वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, कि जो दुनिया को पावर्टी से क्या करना है, हटाना है, तो उसी को लेके बनाया गया था। पांच में आपको IFC ध्यान रखना है जो कि प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है। मीगा है जो इन्वेस्टमेंट गारंटी लेता है, और ICCID यानी कि जो सेटलमेंट को लेकर डिस्प्यूट सॉल्व करता है। तो ये पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट और आखिरी का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच सर्टिफिकेशन इंडिकेट्स ए गारंटी ऑफ क्वालिटी फॉर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स लाइक घी, हनी एक्सेट्रा। तो कौन सा सर्टिफिकेट कृषि संबंधी खाद्य पदार्थ यथा घी, शहद आदि की गुणवत्ता की गारंटी को प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। आपको जो क्वालिटी मार्क्स है वो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वालिटी मार्क्स आपको पता होना चाहिए। देखिए IDA, जो सिमरन जी ने पूछा है कि IDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखिए IDA और IBRD दोनों साथ में ही काम करते हैं, और दोनों का जो Washington DC के अंदर ही है। वर्ल्ड बैंक का जो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन में ही है। IMF का भी Washington DC में ही है, और इसका वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है भी, जिम योंग किम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये साथ में ही काम करती है दोनों, दोनों का अलग अलग नहीं है, दोनों का जो स्टाफ है वो सेम स्टाफ है, एक ही स्टाफ है दोनों का। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो लोगों ने बी किया है, और सही आंसर बी है। एगमार्क वो मार्क होता है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बना होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से देखते हैं तो ISI होगा, ठीक है? BIS किसके अंदर होगा, जो आपका गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें BIS होगा। और FPO किसमें होगा, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको FPO साइन होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एगमार्क क्या है, सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि कौन देखता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो देखती है। और एक्ट कौन सा लगता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 का, वो इसके अंदर लगता है। इसके अंदर नियर बाय 213 डिफरेंट कम्योडिटीज़ है, कम्योडिटीज के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि पल्सेस, सीरियल्स, एसेंशियल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि सभी को ये समझ में आ गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपकी डेली लाइफ के लिए, और साथ में आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद है आपने सेशन इंजॉय किया होगा, और साथ में उम्मीद है आपके आने वाले पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू।